राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले ईडी सक्रिय नजर आ रही है और इस बार प्रवर्तन निदेशालय के निशाने पर कोई और नहीं बल्कि राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा नजर आ रहे हैं। क्योंकि राजस्थान में हुए पेपर लीक मामले में गोविंद सिंह डोटासरा पर आरोप लगे थे, लिहाजा आरोपों की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय की टीम सुबह सुबह डोटासरा के जयपुर स्थित सरकारी आवास पर पहुंची। सीकर में भी ईडी ने डोटासरा के निजी आवास पर छापेमारी की। ईडी की दिल्ली और जयपुर की टीम के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल के अधिकारी भी छापेमारी के दौरान मौजूद रहे। डोटासरा इस बार सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। लक्ष्मणगढ़ से डोटासरा लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं और वो गहलोत कैबिनेट में प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन विभाग में राज्य मंत्री रह चुके हैं। अपने घर पर ईडी की छापेमारी पर गोविंद सिंह डोटासरा ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए सत्यमेव जयते लिखा। इसके साथ ही कांग्रेस ने छापेमारी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का सहारा लिया। उन्होंने लिखा कि राजस्थान में अपनी निश्चित हार को देखते हुए बीजेपी ने अपना आखिरी दांव चला है। खड़गे ने कहा है कि चुनाव आते ही ईडी, सीबीआई और आईटी बीजेपी के असली पन्ना प्रमुख बन जाते हैं। देखिए, जहाँ भी इलेक्शन होते हैं इस तरह की कार्रवाई होती है, ये कोई नई बात नहीं। जब इलेक्शन होगा तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस नेताओं के ऊपर ईडी की कार्रवाई होगी। कांग्रेस ने कहा है कि जनता बीजेपी को करारा जवाब देगी। अब ये जो चाहे वो करें, मतदाता सब देख रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया है। प्रवर्तन निदेशालय ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी सम्मन जारी किया है। ये सम्मन विदेशी मुद्रा अधिनियम यानी फेरा में कथित अनियमितताओं के मामले में भेजा गया है। इस बारे में खुद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने एक्स पर जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि मेरे बेटे वैभव गहलोत को ईडी में हाजिर होने का समन आया है। ईडी ने वैभव गहलोत के फेमा मामले में समन जारी कर 27 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। वैभव गहलोत के खिलाफ जयपुर के 2 निवासियों ने शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत में कहा गया था कि वैभव गहलोत ने मॉरिशस की शिवनार होल्डिंग्स नाम की कंपनी से अवैध धन को ठिकाने लगाया था। बताया जा रहा है कि ये कंपनी शेल कंपनी है। हालांकि अशोक गहलोत ने इसे टैक्सी कंपनी से जुड़ा मामला बताया। वैभव गहलोत का तो खाली जहां तक मेरे को नॉलेज है, ये खाली टैक्सी की जो है कंपनी है उसमे रतन शर्मा पहले पार्टनर था 25 लाख रूपए का। 25 लाख रूपए का ही हिस्सेदारी मेरे ख्याल वैभव गहलोत की थी और वो अलग पार्टनर अलग हो गए। इतना ही मामला है। अशोक गहलोत ने कहा है कि ईडी राजस्थान में बीजेपी की हालत खराब करेगी। बेटे वैभव गहलोत को समन मिलने और राजस्थान कांग्रेस के नेताओं पर छापेमारी से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भड़क गए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार गुंडागर्दी पर उतर आई है। इसके साथ ही अशोक गहलोत ने कहा है कि सवाल मेरे बेटे या राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष का नहीं है, इन्होंने पूरे देश में आतंक मचा रखा है। पूरे देश के अंदर आतंक मचा रखा है, आतंक मचा रखा है। और जिस पर आतंक है, छत्तीसगढ़ में करीब साल भर से ईडी के लोगों ने मैंने सुना है वहाँ अपने फैमिली शिफ्ट कर दिया। अशोक गहलोत ने कहा है कि ईडी के छापे से कांग्रेस घबराने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी उसके नेता कोई घबराने वाला नहीं है, चाहे वो कितना ही ईडी का दुरुपयोग करे। अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी और अमित शाह उन्हें टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो राजस्थान में सरकार नहीं गिरा पा रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के लोगों के लिए 2 गारंटी का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री गहलोत का आरोप है कि इसीलिए उनके यहाँ ईडी ने आज छापेमारी की। लेकिन अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को चैलेंज करते हुए कहा कि वो कल 5 और गारंटी का ऐलान करने जा रहे हैं, इसलिए वो सोच लें कि परसों कहां छापेमारी करनी है। अभी तो हम और गारंटी देने जा रहे हैं, कल 5 गारंटी देने जा रहे हैं। 5 गारंटी उनको तय करने की 5 नेताओं को चुन ले पहले ही। जब गारंटी कल देंगे परसों कहां का छापे डालने हैं पहले तय कर लें। गहलोत ने कहा कि राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष ने किसानों और गरीबों की आवाज उठाई, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आप नोटिस दिया नहीं, कोई केस दर्ज नहीं, कोई शिकायत नहीं। अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नहीं चाहती कि राजस्थान में महिलाओं को, किसानों को, गरीबों को कांग्रेस की ओर से दी जा रही गारंटियों का लाभ मिल सके। एक तरफ कांग्रेस ईडी की छापेमारी को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि पेपर लीक मामले में अब बड़ी मछलियां पकड़ी जाएंगी।
राजस्थान बीजेपी के प्रभारी और महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि पिछले 5 साल में राजस्थान में 17 बार पेपर लीक के मामले सामने आए और बड़े पैमाने पर पैसों का लेन देन हुआ, इसलिए ईडी को कार्रवाई करनी पड़ी। जो पेपर लीक 17 बार पेपर लीक हुआ है और उसमें वास्तव में जो बड़े मगरमच्छ थे उन पे कार्रवाई नहीं हुई, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और युवाओं के भविष्य पे हथौड़ा चलाने का काम गहलोत सरकार ने काम किया है। बीजेपी ने अशोक गहलोत सरकार को आजादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया है। 5 साल भ्रष्टाचार किया गया है और इसीलिए आज विक्टिमहुड कार्ड नहीं, अशोक गहलोत जी को तो जवाबदेही देनी चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कुछ गलत हुआ है तभी कार्रवाई की जा रही है। थार रेगिस्तान के बीच बसा वो जिला जो राजस्थान के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार है, जिसका नाम, जिसका कद राजस्थान की सियासत में कितना ऊंचा है ये राज्य की कैबिनेट में साफ झलकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीकानेर की, जहां से राजस्थान की गहलोत सरकार के 3 मंत्री आते हैं। पूरे राजस्थान की ही तरह बीकानेर में भी चुनावी हलचल तेज है, क्योंकि यहां जीत का दारोमदार नए चेहरों से ज्यादा पुराने खिलाड़ियों पर है। बीकानेर से राजस्थान की मौजूदा सरकार के 3 मंत्री आते हैं, जिनमें बीकानेर वेस्ट से आने वाले विधायक बीडी कल्ला, जो राजस्थान सरकार में शिक्षा, आर्ट एंड कल्चर का विभाग संभाल रहे हैं, कोलायत से भंवर सिंह भाटी, जो गहलोत कैबिनेट में ऊर्जा मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पदभार पर हैं, और खाजूवाला से गोविंद राम मेघवाल, जिनके जिम्मे राजस्थान का आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग है। यही नहीं, पीएम मोदी की कैबिनेट में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी बीकानेर से ताल्लुक रखते हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि राजस्थान के चुनावों में बीकानेर जिले की कदकाठी कितनी तगड़ी है। राजस्थान सरकार में बेशक बीकानेर का दबदबा झलकता होगा, लेकिन जिले की एक विधानसभा सीट ऐसी भी है जहां 2008 से बीजेपी की धाक है और लगातार 4थी बार बीजेपी ने शाही परिवार पर ही भरोसा जताया। और बीकानेर पूर्व से लगातार 4थी बार बीजेपी ने सिद्धि कुमारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। सबसे पहला मेरा जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा वो है एजुकेशन, हेल्थ, and I thought of the women. I could, you know, I did make those efforts कि जहां महिला सुरक्षित भी फील करे और महिला का सुनाई दे। लेकिन बीकानेर पूर्व सीट से टिकट मिलने की उम्मीद में डटे कांग्रेस नेता यशपाल गहलोत का मानना है कि इस बार यहां की जनता कांग्रेस को चुनेगी, जिसकी उन्होंने वजह भी बताई। ये महलों के अंदर रहती है और ना कोई विकास का काम है, कोई नाली है, कोई सड़क का बात है, कोई हॉस्पिटल के संबंधित है। तो मेरे को ये मानना है कि जो MLA, जो विधायक सुख दुख में काम नहीं आए, वो किस बात का विधायक। बीकानेर पूर्व के बाद जी न्यूज बीकानेर जिले के कोलायत विधानसभा क्षेत्र की तरफ बढ़ा। कोलायत बीकानेर का वो विधानसभा क्षेत्र है जहां बीजेपी और कांग्रेस के अलग अलग दावे हैं। इलाके की अहमियत ऐसी है कि यहां से मौजूदा सरकार में मंत्री भी आते हैं और उनका दावा है कि बीते 70 सालों में कोलायत में जो विकास नहीं हो पाया वो उन्होंने विधायक रहते इन 5 साल में कर दिखाया है। 70 सालों में एक भी कॉलेज नहीं था और इन 5 सालों में 7 सरकारी कॉलेज भी चालू है। गहलोत सरकार में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी कोलायत विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और इस बार भी कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है। मेरी तुलना इन मेरे 5 सालों से 10 सालों से नहीं, पिछले 70 सालों से कर लीजिए कि पिछले 70 सालों में 60 सालों में जितने काम हुए हैं उससे ज्यादा काम इन पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार के समय हुए हैं। थार मरुस्थल की जमीन का तापमान गर्मियों में 45 डिग्री से ऊपर चला जाता है और सर्दियों में 0 तक दर्ज किया जाता है, लेकिन सर्दियों में हो रहे इन चुनावों में बीकानेर का सियासी पारा गर्म दिख रहा है। टक्कर कांटे की है। जी